आपसे सर कौन से चल रहे पवन जी शुरू पवन जी क्या कहना चाहेंगे आप ये सबसे पहले हम अपन श्रोता बंधु के और आप लोगन के प्रणाम करत हनी और धीरेन्द्र चौबे जी के प्रोडक्शन में ही प्रोडक्शन नंबर 3 फिल्म के मुहूर्त आज भइल ई बहुत अच्छा लागत है। और हम अपने बारे में ही कहब एगो कलाकार के नाते कि किसी भी मंच पे मान लीजिए हम लोग शो करते हैं और उसी मंच पे अगर कलाकार को दोबारा बुलाया जाता हो तिबारा बुलाया जाता हो 4 बार 5 बार तो ये किसी भी कलाकार के लिए मतलब भाग्य की बात है। और प्रोडक्शन नंबर 2 प्रोडक्शन नंबर 3 में 3 फिल्म के मुहूर्त भइल आज और धीरेन्द्र चौबे जी हमके अपने प्रोडक्शन में काम करौनी और फिर करावे जा रहल बनी ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो भैया आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो माँ केला देवी को मैं उनका आशीर्वाद लेता हूँ और पवन जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन पवन जैसे स्टार लोग जो है उनको कौन नहीं लेना चाहेगा। पवन जी ने हमारे साथ तभी नहले पे दयाले में काम किया है, बहुत अच्छा समय गुजरा, कहीं भी हमको दिक्कत नहीं आई और स्टार तो पवन जी हैं, इनके साथ करें या किसी अन्य के साथ करें मुझे काम करना है और जिसका काम अच्छा हो आदमी उसी को याद करता है, इसलिए पवन जी को मैंने दोबारा याद किया और पवन जी ने बहुत विनम्रता के साथ मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लिया। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और सभी लोग हमारे साथ हैं। सर पवन जी ने नहीं, अनारा जी भी साथ पे है, एक पूरी जोड़ी है जी। क्या केमिस्ट्री थी ये पहले जो आपको पसंद आई दोबारा इस फिल्म में साथ में आपने कराई? मुझे लगता है कि जब पिक्चर रिलीज हो जाएगी अगस्त में तो आपको समझ में आ जाएगी ये सब लोग क्यों आए हैं दोबारा, कहीं ना कहीं तो कुछ अच्छा किया ही होगा सब लोगों ने मिलके और देखिए सब अच्छा ही होगा, एक नए लुक में पवन जी नज़र आएंगे। म्यूज़िक का नाम अनाउंस करना भी ठीक नहीं है क्योंकि किसी का नाम अनाउंस नहीं किया आज मैंने, सिर्फ पवन जी से अनुरोध करके ले आए हैं उनको और उनका ही नाम अनाउंस किया है। पवन जी का म्यूज़िक कहाँ हो? अरे गाना तो पवन जी गाते ही हैं, पवन जी सिंगर बहुत बड़े हैं भाई, कैसे नहीं गाना गाएंगे, पहली पिक्चर में भी गाए इसमें भी गाएंगे। इस फिल्म में जो इससे पहले नैने पे दे रहा है वेस्टर्न लुक में काफ़ी डांस वांस काफ़ी रोमांटिक सीन फिल्माए गए, इस फिल्म में ऐसे एक साथ उससे बहुत अच्छा, उससे बहुत अच्छा होगा और हमेशा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और इम्प्रूवमेंट ही ज़िंदगी में करने वाला आदमी को सफलताएँ मिलती हैं, पुराना पैटर्न नहीं दौड़ाएंगे। अनारा जी आप क्या कहते हैं चौबे जी के बारे में, खास जोड़ी है जो दोबारा पर्दे पर लेकर आ रहे हैं आप लोगों को? अच्छा लग रहा है वापस धीरेन्द्र जी ने याद किया, जैसे कि अभी पवन जी ने कहा कि हम एक स्टेज पे काम करते हैं तो दूसरी बार हमें स्टेज पे बुलाया जाता है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, तो डेफिनेटली सौभाग्य की बात है कि हमारा काम पसंद किया गया है और वापस धीरेन्द्र जी ने एक फिल्म दोबारा से लॉन्च की है और पहली फिल्म में क्योंकि बहुत मज़ा आया पवन जी के साथ, फिल्म कभी ख़त्म हो गई पूरे प्रोडक्शन के मतलब सेट पे पता ही नहीं चला, लास्ट डे जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे आप वहीं थे तो कितना फ़न हम लोग कर रहे थे और दुख हो रहा था कि फिल्म का अंतिम दिन है, लेकिन धीरेन्द्र जी ने आई थिंक वो दुख को सुख में बदल दिया है, वो दोबारा से एक फिल्म को लेकर आ रहे हैं तो बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं पवन जी के साथ वापस काम करने जा रही हूँ क्योंकि मेरे तो फेवरेट एक्टर हैं वो, तो डेफिनेटली मैं बहुत खुश हूँ। प्रोडक्शन नंबर 2 तो सुना था लेकिन प्रोडक्शन नंबर 3 मतलब इतना बिजी है चौबे जी की फिल्म का नाम भी नहीं रख पाए हैं क्योंकि आपको मैं बता दूं टाइटल जो है फिल्म का आधार होता है और टाइटल एक हिट टाइटल ही फिल्म एक के ऊपर डिपेंड करता है, तो कि कोई ऐसे टाइटल रखने से अच्छा कि वेट करें और एक अच्छा टाइटल निकल के आए और हमारी ऑडियंस को वो टाइटल पसंद आए, हम एक अच्छे टाइटल के शायद मुझे लगता है धीरेन्द्र जी इंतजार में होंगे इसलिए उन्होंने अभी तक टाइटल रखा नहीं है। बहुत जल्दी पैसा बोलता है मार्केट में आएगी, मुझे टाइटल मिल गया है हिंदी में और हमारा अंदाज है कि बहुत जल्दी उसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी, स्टोरी पर काम काफ़ी हो चुका है और हिंदी ही उद्देश्य और पवन जी भी शायद उधर की तरफ भी जाएंगे, अनारा जी भी जाएंगे, सभी टीम जाएंगे, कुंजन जी भी जाएंगे, सभी लोग जाएंगे। पवन जी क्या कहना चाहेंगे आप हिंदी की अगर बात करें हिंदी बॉलीवुड पे क्या अंदर सकते हैं? देखिए हमने के भोजपुरी में कहा जाला कि समय पर कोनो चीज़ शोभा देला, जब जौने चीज़ के समय आई
वो काम एकदम दिल से हुई और बहुत अच्छे से हुई। और दुनिया में कोई भी आदमी यही चाहता है कि हम हर रोज़ आगे बढ़ें, हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखना है और सीखने को मिलता है। और प्रोडक्शन नंबर 3 में जौन धीरेन्द्र चौबे जी फिल्म के आज मुहूर्त कैनी है, ये जौन बैनर लगल बा लुक जौन बा नहले पे दहला, और प्रोडक्शन नंबर 3 में जौन फिल्म बनता जौन फिल्म के मुहूर्त भैला ओकर टाइटल हो सकेला कि ये रही दिल है दुपट्टा में। बहुत बढ़िया, गोविंद जी ने अनाउंस कर दिया है, उम्मीद पूरी यही है कि दिल है दुपट्टा में ही होगा, लेकिन मैं नहीं कहना चाहता था अभी, लेकिन पवन जी ने कह दिया तो खुलासा हो गया, यही है खुलासा अगर हो गया है तो नहीं, जब मुहूर्त हो गया तो टाइटल क्या छुपाना है। और रोमांटिक रोमांस के लिए हीरो किस हद तक जाता है, जा सकता है, इस स्टोरी में यही दिखाया जाएगा। बाकी हमारे इस फिल्म के डायरेक्टर जो अरविंद चौबे जी हैं, वो लोग वो भी आपसे कुछ बातें करेंगे, जरा उनको बुलाया जाए, आइए। सही बात, रोमांटिक। चलिए कैसे मेहनत करते हैं, चलिए कैमरे के सामने फरमा, ये पर्दे के पीछे के हीरो हैं, ये पर्दे के पीछे हम लोगों को बताते हैं कि बाबू आपको क्या करना है, कैसे करना है, उस चीज़ को हम लोग पर्दे पे करते हैं। तो बहुत अच्छे इंसान हैं, अंदर के जैसे ऊपर से हैं वैसे अंदर से भी हैं। कितना आपका योगदान रहता है डायरेक्शन में, अगर बात, बहुत अच्छा, बहुत काफ़ी डायरेक्शन आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलती है? नहीं, एजेंट प्रोड्यूसर काफ़ी कोऑपरेट करते हैं। देखिए, जब पिक्चर बनाई जाती है तो डायरेक्टर और हीरो का योगदान होता है, प्रोड्यूसर का कोई खेल नहीं होता है, प्रोड्यूसर जो फाइनेंसर होता है, डायरेक्टर अच्छा होगा, हीरो अच्छा होगा, पिक्चर अच्छी बनेगी। सर क्या है ना जी, आप जैसे लोग बहुत भाग्य से मिलते हैं। नहीं, ये सब माता की कृपा है, और आप जैसे लोग भी बहुत भाग से मिलते हैं। उनके कृपा से तो हम सब हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक का भाग होता है, फिर भी उनके कृपा से हम सब हैं। इंसान एक जरिया होता है, तो भैया के प्रोडक्शन में काम करके बहुत अच्छा लगता है, हमेशा काम करेंगे, जीवन भर करेंगे। और भैया के डायरेक्शन में भी हमारे लक्की डायरेक्टर हैं, ये हमारे लक्की डायरेक्टर हमें जब जब हमने के काम करी ला जाना, तो अभी जैसे देखी हुकूमत फिल्म हमने के रिलीज भइल बा, जौने फिल्म के गाना एकदम मार्केट में छा गई बा, हमार भैया चाचा लोग खूब सुनत लोग गाना के, तो कलाकार के ऐसे बड़ा धन और का हो सकेला। जय माता दी, जय माता।